दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जनवरी 2022 की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत के किसी भी राज्य से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये लेटेस्ट भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर नाविक के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 21,700 सैलरी है। यांत्रिक पोस्ट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 29,200 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज और पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें नाविक और यांत्रिक की। बात अगर टोटल वैकेंसीज की जाए तो 322 वैकेंसीज निकली है। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसीज है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर 35 वैकेंसीज है, यांत्रिक के लिए भी यहाँ पर 27 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 जनवरी 2022 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जनवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो नाविक पोस्ट के लिए 21,700 है लेवल 3 के अंतर्गत, यांत्रिक पोस्ट के लिए 29,200 है लेवल 5 के अंतर्गत। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो नाविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर नाविक के लिए 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए, यांत्रिक के लिए 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। बात अगर एप्लीकेशन फीस की जाए तो UREWS OBC के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस है, SST के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT के आधार पे। बात अगर फिजिकल फिटनेस डिटेल की जाए तो हाइट 157 सेंटीमीटर है, रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, उठक बैठक यहां पर आपको 20 लगाने होंगे और 10 यहां पर आपको पुशअप्स लगाने होंगे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। joinindiancoastguard.gov.in और joinindiancoastguard.cdec.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पोस्ट है यहाँ पर नाविक GD, नाविक DB और यांत्रिक की। 2/2022 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर मेल इंडियन सिटीजनशिप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए +2 यानी कि 12वीं क्लास पास, साथ में मैथ और फिजिक्स से किसी एजुकेशन बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हो और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर यांत्रिक के लिए 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहां पर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली में कम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह यहां पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको बाकी का क्राइटेरिया भी दिया गया है, जैसे कि एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 22 वर्ष है। नाविक GD और यांत्रिक के लिए यहाँ पर 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 है, नाविक DB के लिए 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। बात अगर अपर एज रिलैक्सेशन की जाए तो 5 साल की आयु सीमा में SC/ST को यहाँ पर छूट मिलेगी और 3 साल के यहाँ पर OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए आपको छूट मिलेगी। वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर नाविक GD के लिए UR के लिए 112 है, EWS के लिए 28 है, OBC के लिए 72 है, ST के लिए यहाँ पर 11 है, SC के लिए 37 है, टोटल 260 है।
नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 13 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 5 वैकेंसी निकली है। बात अगर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की की जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन से रिलेटेड आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। रिटन एग्जाम और फिजिकल के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। रिटन एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो नाविक डीबी के लिए सेक्शन फर्स्ट में रिटन टेस्ट होगा, जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर 30 है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 27 है एससी एसटी के लिए। नाविक जीडी के लिए भी यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आपको अंक दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको पैटर्न की भी कंप्लीट डिटेल दी गई है, जो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल में जानकारी दी गई और सिलेबस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट इसी में दिया गया है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है, जो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल डिटेल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में फाइनल मेडिकल डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है, इसको फॉलो करके आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस या फिर टेलीफोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन करते समय अपलोड करनी होगी, वो पूरी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए हमारे पोर्टल पर ही लिंक है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। 4 जनवरी 2022 से आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक है, इसी तरह यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सिंपली 4 जनवरी से आप 14 जनवरी तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और बाकी की जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।